Let us go ahead with the next topic of gravitation. And next topic, if you see, is nothing but universal law of gravitation or Newton's law of gravitation. So let us go ahead with next topic, that is universal law of gravitation, या फिर इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ये लॉ ऑलरेडी स्टडी किया है. इफ यू रिमेम्बर, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यू ऑलरेडी नो, अगर हमारे पास दो मासेस है m1 एंड m2, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जब मैं बोलता हूँ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू मासेस. ये सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है ये. अब क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स आया कहाँ से, मतलब हाउ कैन यू से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. यू कैन ऑल्सो से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस. बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मासेस ही क्यों, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ डिस्टेंस क्यों नहीं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्यों नहीं. तो ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन ऐसा ही क्यों है, तो ये ऐसा इसके लिए है क्योंकि इसके पीछे डेरिवेशन भी है. तो हमको आज वो देखना है कि हाउ न्यूटन केम टू दिस कंक्लूजन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मासेस. तो उस टाइम पे, दैट टाइम न्यूटन वाज स्टडिंग मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. तो न्यूटन स्टडीड द मोशन ऑफ मून, स्टडीड द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, नॉट सन बट अराउंड अर्थ, क्योंकि सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं होता है मून, इट रिवॉल्व अराउंड अर्थ. अब आप बोलोगे मून का ही क्यों स्टडी किया. देखो, अगर आपको कुछ लॉ बनाना है, कुछ कंक्लूजन पे आना है, लॉ बनाना तो बात की बात है, लेकिन अगर आपको कुछ कंक्लूजन पे आना है तो डेफिनेटली यू नीड सम पैरामीटर्स. और मून इट इज नियरेस्ट टू अर्थ, तो हमको अगर मून के कुछ पैरामीटर्स चाहिए तो वी कैन मेजर. फॉर एग्जाम्पल, यू नो वॉट इज ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ, व्हाट इज टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, 27.3 days टू बी प्रिसाइज. देन दैट टाइम जब न्यूटन स्टडी कर रहा था मोशन ऑफ मून का अराउंड अर्थ, तो टाइम पीरियड तो नोन था, साथ में डिस्टेंस भी नोन था. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून, 385,000 किलोमीटर, मतलब 3.85×10^5 किलोमीटर. तो डिस्टेंस एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वॉज नोन. सो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मून वॉज नोन टू बी टी इक्वल टू 27.3 days. लेकिन यू रिमेम्बर डे इज नॉट एस आई सिस्टम. तो टी इक्वल टू 27.3, हर दिन में 24 आवर, हर आवर में 60 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकेंड. तो 27.3 × 24 × 60 × 60, ये हम लोग कैलकुलेशन करके रख देते हैं. वी विल जस्ट कैलकुलेट दिस एंड कीप इट असाइड बिकॉज वी विल नीड दिस. तो 27.3 × 24 × 60 × 60, 2358720, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. यू हैव 2 3 5 2 3 5 7 8 7 8 0 था कि 7 8 2 0 था, आई डोंट रिमेम्बर रियली. इतना है 7 2 3 5 8 7 2 0, 2 3 5 8 7 2 0.
2.3587 2.0 seconds, मतलब 2.3 × 10^6 सेकेंड मोर और लेस। तो ये टाइम पीरियड है मून का। ऑल्सो ऑल्सो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ मून वॉज नोन टू बी, ये डिस्टेंस इसको डिनोट करेंगे हम लोग आर एम से, 3.85 × 10^5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस भी ऑलरेडी नोन था, 3.85 × 10^5 किलोमीटर, किलोमीटर है वो, मीटर्स में नहीं है, तो मीटर्स में नहीं है तो ये पता होना चाहिए। ऑल्सो हमको पता है, क्या पता है, व्हाट इज द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, सर्कुलर या इलेप्टिकल? सर्कुलर, दैट मोशन इज सर्कुलर। इलेप्टिकल तो अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड सन, तो मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज सर्कुलर। ऑल्सो वी नो दैट द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज सर्कुलर, अराउंड अर्थ इज सर्कुलर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जहां जहां पे सर्कुलर मोशन हो, फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रिपेटल। देयरफॉर द नेसेसरी फोर्स इज सेंट्रिपेटल फोर्स, द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स इज सेंट्रिपेटल फोर्स। मतलब मून पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सेंट्रिपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है। देयरफॉर एफ इक्वल टू, व्हाट इज सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला? तीन फॉर्मूला बताए थे मैंने, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड एम वी ओमेगा। हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड है। व्हाट इज ओमेगा? 2π/ टाइम पीरियड। तो जो जो कॉन्सेप्ट हमने सर्कुलर मोशन में सीखे थे, मैंने इसलिए बोला था कि फिजिक्स में ना लिंक होता है। तुम एक टॉपिक छोड़ दो के बोलोगे ये ऑप्शन है तो नहीं चलेगा। यू हैव टू रिमेम्बर सेंट्रिपिटल फोर्स हमने तीन फॉर्म में बनाए थे, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड एम वी ओमेगा। यहाँ पे यूज होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है 2π/ टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो यहां से एम और एम हो गया कैंसल। ये एक्सियम किसका है? मून का है। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? मून के मोशन की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में कौन है? मून है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? मून पे। तो सेंट्रिपिटल एक्सियम किस पे एक्ट हो रहा है? मून पे। तो एक्सियम ऑफ मून है। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज दैट यू नो, तो एक्सेलरेशन ऑफ मून इक्वल टू आर, ये आर क्या है? ये ऑर्बिटल रेडियस है किसका? मून का, जो कितना है? 3.85 × 10^5 किलोमीटर। तो रिमेंबर ये आर एम क्या है? दिस इज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून अराउंड अर्थ, 3,385,000 किलोमीटर। मतलब 3.85 × 10^5 किलोमीटर, मीटर में करोगे तो 8। तो फिर मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10^8 आ गया वहां पे, है ना। देन ये क्या था? ए एम का क्या फॉर्मूला बना आपके पास? एक्सेलरेशन ऑफ द मून क्या है? ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून 2π/ टाइम पीरियड ऑफ मून स्क्वायर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 2π/ रेडियस ऑफ सॉरी टाइम पीरियड ऑफ मून कितना आया? 2.35 × 10^6, 10^6। देन इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे स्क्वायर। अब बाकी कैलकुलेशंस में आई विल नॉट गो, पर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलता है वो आता है 0.0027 m/s². आई रिपीट अगेन, हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है टू अंडरस्टैंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपको ऑलरेडी पता है। क्या पता है? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, बिटवीन देम। ये आया कहाँ से? दिस इज वॉट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। तो ओरिजिनली न्यूटन स्टडीड द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, और उस टाइम पे टाइम पीरियड ऑफ मून वॉज नोन टू बी 27.3 डेज। तो डेज को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ऑल्सो
अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का डिस्टेंस था 385,000 किलोमीटर, मतलब 3.85 × 10⁵ किलोमीटर, इतना बड़ा था। देन क्योंकि मोशन क्या है, सर्कुलर है, मैं यहाँ पे डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि आगे काम में ही आएगा हमको। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज सर्कुलर, अनलाइक प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन। प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन क्या होता है, एलिप्टिकल होता है, ये क्या है, ये क्या है, सर्कुलर है। और क्योंकि मोशन सर्कुलर है तो फोर्स कौन सा है, सेंट्रिपिटल। तो फोर्स क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, वाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। व्हाट इज फोर्स, एम ए, एम एम हो गया कैंसल। तो एक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स के केस में आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स सेंटर। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ मून टुवर्ड्स अर्थ इज, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इज आर एम 2π/T का स्क्वायर। तो ये हमको सब सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना मिलता है, 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, नथिंग। तुम एक वैल्यू से कभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते, आपको किसी भी कंक्लूजन पर आना है तो कम से कम आपको दो वैल्यू चाहिए, और दो वैल्यू को कंपेयर करने के बाद आपको कंक्लूजन मिलते हैं। किसका वैल्यू है ये, एक्सेलरेशन का, किसका एक्सेलरेशन, मून का। किसने किया, किसने किया एक्सेलरेशन, अर्थ ने। तो अब कंपैरिजन के लिए ऐसा बोलते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट था मेरे पास, स्मॉल ऑब्जेक्ट था, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। तो अर्थ के सरफेस पे अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तो डू यू नो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी ऑल्सो नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिमेंबर रिमेंबर, ये दोनों ही, मतलब मून और ऑब्जेक्ट दोनों पे एक्सेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी है। दोनों पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। किसका फोर्स, अर्थ का फोर्स। तो मून पे और ऑब्जेक्ट पे, दोनों पे अर्थ का ग्रेविटी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो गया 9.8 और मून का है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, ए ऑब्जेक्ट अपॉन ए मून, तो 9.8 अपॉन 0.0027 यूनिट क्या आएगा, नथिंग। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रेशो ले हुए तो यूनिट नहीं आता है, तो दिस इज प्योर नंबर, इट इज अ प्योर नंबर। और अगर आप इसका रेशो लोगे तो यू विल फाइंड दिस टू बी रफली 3600। कितना आएगा, 3600। क्या 3600 को हम 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स। तो फिर हमारे पास रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ मून, ये आ गया 60 का स्क्वायर। लेट अस इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन ये है कि 60 का ही क्यू स्क्वायर है, कुछ और क्यों नहीं आया है, डेफिनेटली बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज। लेकिन न्यूटन थॉट कि ये 60 ही क्यों आ रहा है, तो उसने बहुत सारे और कैलकुलेशन किए, उसमें से उसने एक काम किया, व्हाट ही डिड, उसने रेशियो लेके देखा डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ कोर्स, फ्रॉम अर्थ, मैं यहाँ पे जब अर्थ बोलता हूँ तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको हमने डिनोट किया है आर एम से, ऑर्बिटल रेडियस, मून से, मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दैट वी हैव डिनोटेड बाय आर एम, ऑर्बिटल रेडियस।
और इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, 3.85 × 10^5 किलोमीटर, किलोमीटर है वो। सिमिलरली अगर आप मून का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से अर्थ के सेंटर से देखते हो, इफ यू टेक द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सर्फेस पे ही रखा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो अर्थ के सर्फेस पे है ये क्या आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6378, हम लोग 6400 लिखते हैं, वो रफ वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 6378। एक्चुअली एक्चुअली अर्थ स्पीयर है नहीं, तो उसका इक्वेटोरियल रेडियस अलग आता है और उसका पोलर रेडियस अलग आता है, क्योंकि पोल्स पे क्या हो जाता है वो फ्लैट हो जाता है। तो इन रियलिटी ये अर्थ ऐसा है ही नहीं, अर्थ ऐसा है, इट इज ओबलेट शेप, मतलब अगर आप देखोगे तो इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है और पोलर रेडियस कम है, तो ये सेमी मेजर सेमी माइनर जैसा है, समथिंग लाइक दैट, नॉट रियली एग्जैक्टली, क्योंकि इतना ज्यादा शेप चेंज नहीं है उसका। तो व्हाट ही डिड वाज, उसने डिस्टेंस ऑफ मून और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेके देखा। अब डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ था 3.85 × 10^5 किलोमीटर, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ है, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, और मैं इसको आर ई बोल देता हूँ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ हमको वैल्यू पता है 6378, 6378 किलोमीटर, ऊपर भी किलोमीटर नीचे भी किलोमीटर गया। तो ये जो वैल्यू आई ये आई 60, कितनी 60। तो देन देन रेडियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये आ गए 60 इक्वेशन नंबर 2। तो डू यू नोटिस समथिंग, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से तुमको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ए ऑब्जेक्ट मतलब एक्सीजन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सीजन ऑफ मून इक्वल टू 60 का स्क्वायर है, लेकिन 60 ये कौन है, ये रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ये, बराबर। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक्सेलरेशन किसने किया, अर्थ की ग्रेविटी ने किया, और मून का एक्सेलरेशन किसने किया, अर्थ की ग्रेविटी ने किया, ये क्या आ गया, ये आ गया Rm/r ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। डू यू नोटिस समथिंग, दिख रहा है कुछ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, देयरफॉर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, देयरफॉर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². दिस इज हाउ न्यूटन केम टू कंक्लूजन कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चाहे वो मून हो, चाहे वो एक एक्स ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो वाई ऑब्जेक्ट हो, अगर वो अर्थ की ग्रेविटी में है तो एक्सीजन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बराबर, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो फिर यू शुड नो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, तो देयरफॉर फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू m/r², बराबर, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1/r², फोर्स इक्वल टू एम ए, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m/r². ये फोर्स किस पे लग रहा है, मून पे बिकॉज ऑफ अर्थ, या फिर ये फोर्स किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे बिकॉज ऑफ अर्थ। हाँ, दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय, दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो
फिर ऑब्जेक्ट अर्थ पे फोर्स नहीं लगाएगा, लगाएगा ना, फोर्स तो वैसे भी कपल ही होता है, तो पहले ही बता दिया मैंने, सिंगुलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। तुम बेंच पे बैठे हो, तुम बेंच पे एक्शन लगा रहे हो, तुम्हारा वेट बेंच पे क्या है, एक्शन, और अगर वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाता तो तुम बैठ ही नहीं पाते, तुम नीचे गिर जाते, तो वो भी क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो सिमिलरली फोर्स ऑन अर्थ बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट एस, अभी अर्थ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट क्या लगा रहा है, इनर्शियल फोर्स, मतलब वो जो फोर्स है वो भी क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन अर्थ ने जो फोर्स एग्जर्ट किया उसमें मास किसका आया, ऑब्जेक्ट का आया। अर्थ ने जो फोर्स एग्जर्ट किया उसमें मास किसका आया, ऑब्जेक्ट का आया। ऑब्जेक्ट ने जो अर्थ पे फोर्स एग्जर्ट किया उसमें मास किसका आएगा, अर्थ का आएगा। सिंपल, अब दोनों को तुम कंबाइन कर दोगे, तो दोनों को तुम अगर कंबाइन कर दोगे तो इन जनरल, देयरफॉर इन जनरल, इन जनरल यू विल हैव फोर्स प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। तो लेट अस से कैपिटल एम इक्वल टू एम वन एंड स्मॉल एम इक्वल टू एम टू, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू बाय आर स्क्वायर, एंड देयर फोर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। ये मिल गया फोर्स का इक्वेशन। तो दिस इज हाउ न्यूटन डिराइव दिस फॉर्मूला, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हो, क्योंकि तुम यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, दो ऑब्जेक्ट्स को कहीं पे भी रख दो, देखो मैंने ऐसे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, दो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, इसका मतलब ये है कि सराउंडिंग में कोई तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। इफ आई टेक टू ऑब्जेक्ट्स एट एक्स लोकेशन इन दिस यूनिवर्स एंड फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स, वही मिलेगा जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। उसी दो ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस पे मैं किसी और जगह पे लेके जाता हूँ यूनिवर्स में, आपको वही मिलेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। रिमेंबर देर आर अदर फोर्सेस विच चेंज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, ये ऐसा फोर्स है जो यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओगे तो सेम रहेगा। इसलिए जो जी आया, इस जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, लोकल कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक कांस्टेंट ये है जो पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओगे तो सेम रहेगा, एक है आर गैस कांस्टेंट, वो भी यूनिवर्सल होता है, मोर और लेस सेम होता है वो। लेकिन जी, स्मॉल जी, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो तो दिख ही गया, अब दिख गया ना, मून के लिए 0.0027 और अर्थ पे ऑब्जेक्ट के लिए अभी उतना नहीं है, आप आगे सीखोगे, 2-3 दिन में सीखोगे ही, इन नेक्स्ट 2-3 डेज यू विल ऑल्सो सी, यू विल लर्न, इट इज नॉट 9.8 इन रियलिटी। 9.8 उसका वैल्यू एक फिक्स प्लेस पे है, वो जी की वैल्यू 9.8 होती है यहां पे, मतलब ऑन द सरफेस एट द पोल्स। अगर आप इक्वेटर पे आ गए तो वो आ जाती है 9.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ पे लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता है। सिर्फ इतना नहीं, आप अर्थ से ऊपर जाओगे तो भी चेंज होगा, आप अर्थ से नीचे आओगे डेप्थ में जाओगे तो भी चेंज होगा, और कैसा चेंज होगा हम देखेंगे। और इतना ही नहीं, अर्थ के शेप के साथ भी चेंज होगा, मतलब अगर अर्थ का शेप मैं स्पेरिकल नहीं लू, जैसे मैंने बताया ऑब्लेट लू, ऑब्लेट, तो इन केस ऑफ ऑब्लेट शेप इट ऑल्सो चेंजेस, इट चेंजेस, इट इज डिफरेंट एट इक्वेटर, इट इज डिफरेंट एट पोल्स, ये सब हम देखेंगे बाद में। तो वो जो जी का वैल्यू है ना, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो स्मॉल जी जो है वो लोकल कांस्टेंट है। हमारे सिटी से तुम थोड़ा दूर और चले जाओ, नॉर्थ में 2000 किलोमीटर चले जाओ, चेंज हो जाएगा। हमारे यहाँ पे 9.7576 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इक्वेटर 9.73 वैल्यू है, पोल 9.8 है, तो तुम मतलब हम इक्वेटर और पोल के बीच में ही है, 20 डिग्री नॉर्थ है ना हम लोग, हाँ, तो थोड़ा और ऊपर चले जाओ चेंज हो जाएगा। वो भी हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, लैटिट्यूड के साथ कैसा चेंज होता है वो हम चेक करेंगे उसको। तो एनीवेज, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो ये क्या है, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। तो
इसके यूनिट्स पता होने चाहिए, वो तो हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार कर लेंगे। एसआई यूनिट्स ऑफ जी, फोर्स क्या है न्यूटन, डिस्टेंस क्या है मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये आ गया एसआई यूनिट्स ऑफ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आप इसके डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो, सिंपल डायमेंशन, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, मतलब मास का स्क्वायर। फोर्स होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, डिस्टेंस होता है एल टू अपॉन मास होता है एम, मास है ना नीचे, मास है मीटर नहीं है, मास है, मास रेस टू टू, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये आगे डायमेंशन ऑफ जी, मतलब क्लियर। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला ऑफ जी, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अभी डिफाइन भी कर देते हैं, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सट्रीमली सिंपल स्टेटमेंट है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल, विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them, to the square of distance between them। ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अब क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी चाहिए। हमने तो अभी तक सिर्फ स्केलर फॉर्म की बात की ना, डायरेक्शन की कहाँ बात की, तो डायरेक्शन भी चाहिए, और डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, टाइम मिला तो आज ही हो जाएगा सॉल्व वो, बट तो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए एक काम करो, जब भी वेक्टर फॉर्म की बात होती है ना तो फिर पोजिशन कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, पोजिशन वेक्टर्स लगते हैं हमको, सो वी नीड पोजिशन वेक्टर्स। सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस में दिखा नहीं रहा हूँ, जेड एक्सिस तो आएगा थ्री डायमेंशनल केस है तो आई विल नॉट शो। हमारे पास एक मास है यहाँ पे m1, हमारे पास दूसरा मास है यहाँ पे m2। सो लेट अस कंसीडर मास m1 एंड m2। m1 का पोजीशन वेक्टर है r1, यू नो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड एट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। और ये r2 है पोजीशन वेक्टर किसका, इसका m2 का। तो ये r1 पोजीशन वेक्टर है, ये r2 पोजीशन वेक्टर है, याद रखना। अब मैं पोजीशन वेक्टर जब बोलता हूँ, m1 पोजीशन वेक्टर ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 बार ये भी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पे सेट करके रखा है आपने O पे। आगे हमको लगेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू m1, तो याद रखना ये काम में आएगा हमको। तो लेट अस कंसिडर टू मासेस m1 and m2 with position vectors r1 bar and r2 bar with respect to origin, with respect to O।
देखो ऐसा है कि आप किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मास का, किसी भी पॉइंट का पोजीशन कहीं से भी मेजर कर सकते हो। सिर्फ इतना है, जहां से तुम तो मेजर कर रहे हो वहां से वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। मैंने इसलिए बोला आगे काम में आएगा। जब मैंने बोला M1 का पोजीशन वेक्टर R1 बार है, कहाँ से स्टार्ट हुआ वेक्टर? ओरिजिन से। मतलब तुम मेजर कहाँ से कर रहे हो? ओरिजिन से, राइट। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सपोज आई एम द ओरिजिन, मेरे लिए एक स्टूडेंट एक मास है R1 बार, दूसरा स्टूडेंट दूसरा मास है R2 बार। आई एम मेजरिंग पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, पर वो एक दूसरे का पोजिशन नहीं मेजर कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। तो सिमिलरली M1 मास M1 M2 का पोजिशन मेजर कर सकता है। तो इस केस में हम सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं, हम बोलते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1। अब एक बात बताओ, जब आपने पोजिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ड्रॉ किया था, मतलब आपने M1 का लोकेशन फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वेक्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ हुआ? M1 पे। अब मैं किसका लोकेशन फाइंड कर रहा हूँ, कहाँ से? तो वेक्टर स्टार्ट कहाँ होगा, खत्म कहाँ होगा? M1 से स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ होगा? M2। वेरी गुड, डन, सिंपल। इसको बोल देंगे R21 बार, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1। उल्टा करोगे, अगर M1 का पोजिशन M2 के रिस्पेक्ट से देखना है तो R12 बार, तो वो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा? M2 से, खत्म कहाँ होगा? M1। तो लेट R21 बार बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1, बराबर। सिमिलरली R12 बार इस पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑफ M1 WRT विथ रिस्पेक्ट टू M2। क्लियर आया था? अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद होंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इफ आई से ए टू बी, याद है? नहीं याद है? नहीं याद है? डिस्प्लेसमेंट ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार। ए टू बी जो बाद में लिख रहे हो उसका पोजिशन वेक्टर पहले लिखते हो, तो यहाँ पे ए टू बी मतलब बी का पोजिशन वेक्टर कौन है? R2 बार। ए का कौन है? और ए बी बार को नाम क्या दिया है तुमने? R21। ऐसे ही बोला है ना? हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको याद नहीं होता, कोई कोई भी इशू नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं फिर। ट्राइंगल लॉ याद है? ट्राइंगल लॉ, जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो रिजल्टेंट इज फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट एंड टू द हेड ऑफ सेकंड। तो अगर यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दोगे तो तुमको समझ में आएगा R1 वेक्टर, ये एक वेक्टर है जो वो जहां खत्म हुआ वहां पे कौन सा वेक्टर स्टार्ट हुआ? R21 बार। तो R1 और R21 बार का रिजल्टेंट कौन आ गया? R2 बार। देयरफॉर यू कैन से R1 बार प्लस R21 बार इक्वल टू, ऐसा भी तो कर सकते थे ना। देयरफॉर व्हाट इज R21 बार? R2 बार माइनस, यही तो मैंने तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बताया। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि मास M1 M2 पे जा नहीं रहा, वो अपनी जगह पे है। सिर्फ अगर आप ऐसा इमेजिन करोगे तो फिर ज्यादा फास्ट होगा, नहीं तो ट्राइंगल लॉ लगा दो, डन। अभी आ गया R21। R21 और R12 में डिफरेंस क्या था? सिर्फ डायरेक्शन का। R21 वेक्टर ये M1 से स्टार्ट होके M2 पे खत्म होता है, और R12 वेक्टर ये M2 से स्टार्ट होके M1 पे खत्म होता है। तो सिर्फ साइन में डिफरेंस है, दैट्स इट। अगर सिर्फ साइन में डिफरेंस है तो वहां पे R2 बार माइनस R1 बार है, यहाँ पे R1 बार माइनस, ये हो गया पोजिशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि वो क्या था? पोजिशन वेक्टर ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1। ये क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू M2। तो ये दो पोजिशन वेक्टर हमको काम में आएंगे, बाद में आएंगे, तो याद रखना। अब देन हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है न्यूटन्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना। स्केलर फॉर्म तो तुमको पता ही है। व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2? इट इज जी जी M1 M2 बाई R स्क्वायर।
m1 m2 by r square. What is force on 2 due to 1? Magnitude बोल रहा हूँ मैं सिर्फ. g m1 m2 by r square. क्योंकि एक्शन रिएक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है. तो मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस है नहीं. तो जो मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू का है, वही मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का भी, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है. अभी इफ आई इंक्लूड डायरेक्शन, तो बताओ डायरेक्शन में किधर क्या लिखोगी. ये थोड़ा लॉजिकल सोचो. फोर F12 मतलब फोर्स इज ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स इज ऑन वन ड्यू टू टू, और ये होता है अट्रैक्टिव फोर्स. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है जिसमें तुमने दो चार्जेस ले लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपेल हो गया. वहां पे तुमने क्या लिखा था पता है? तुमने बोला फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज फ्रॉम टू टू वन. उधर क्या लिखा था? फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन ड्यू टू चार्ज क्यू टू इज फ्रॉम टू टू वन. फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? चार्ज वन. कौन लगा रहा है? चार्ज टू. तो फोर्स क्या है? रिपल्सिव है. तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज फ्रॉम टू टू वन, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स था, ये पुश फोर्स था, पुश धक्का देने वाला फोर्स था. ग्रेविटी अट्रैक्टिव मतलब पुल फोर्स है. तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? वन, मास एम वन. कौन लगा रहा है? टू. तो ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? तो डायरेक्शन क्या होगा? वन टू टू, वन टू आर वन टू, बराबर पक्का? श्योर श्योर सोच के बताओ. व्हाट इज आर वन टू वेक्टर? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ आर वन टू वेक्टर? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ आर वन टू बार? टूवर्ड्स एम वन, बराबर. मतलब टू टू वन. मैंने अभी क्या बोला? फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकेंड मास, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड. अट्रैक्टिव फोर्स है तो सेकेंड फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है. तो फिर वन टू कैसे आएगा? टू वन आएगा. क्या आएगा? यही तो चीज थी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उल्टा मैंने याद दिलवाया था आपको. यहाँ टू वन तो यहाँ पे वन टू. ग्रेविटी में वैसा नहीं होता है. ग्रेविटी में अगर उधर टू वन है तो इधर भी टू वन है. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. क्योंकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर दो सेम टाइप के चार्जेस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो उस केस में इधर वन टू लिखा है तो उधर टू वन है, इधर टू वन लिखा है तो उधर वन टू है, क्योंकि डायरेक्शन इज अपोजिट. अगर सेम टाइप के चार्जेस हो तो रिपल्सिव फोर्स होता है. यहाँ फोर्स कौन सा है? अट्रैक्टिव फोर्स. कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? वन. किसकी वजह से? टू. तो टू खुद की तरफ खींचेगा ना उसको, तो डायरेक्शन क्या आएगा? राइट. तो याद रखना. और ये फोर्स किस पे है? टू पे है. किसने लगाया? वन ने. फोर्स अगर टू पे है, टू पे किसने लगाया? वन ने. तो मास टू किसकी तरफ जाएगा? हाँ, तो फिर बराबर है टू टू वन. ऊपर का क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? वन टू टू. अभी वापस एक बार बता देता हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट है. सिर्फ आपको पुश पुल ये होता है, कंफ्यूजन होता है. जब दुकान में जाते हो कहीं पे लिखा होता है पुश तो करते हो पुल, कहीं पे लिखा होता है पुल करते हो पुश. होता है नॉर्मली कंफ्यूजन, हैपेंस विद एवरीवन. इट्स नॉट लाइक कि इट डजंट हैपन विद मी. मेरे साथ तो बहुत बार होता है. फिर सोचता है पुल लिखा हुआ है तो पुल कर उसको, व्हाई आर यू पुशिंग इट. एनी वेज सिंपल लॉजिक है. यहाँ पे पहला मास दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा मास पहले को अट्रैक्ट करेगा. तो अगर आप फोर्स फाइंड करो वन पे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, लगा कौन रहा है तो खींचेगा कौन? किस पे? वन टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. तो डायरेक्शन भी वन टू टू है क्योंकि वो खींच रहा है. मैं फर्स्ट मास हूँ, मैं सेकेंड पे अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू, लग किस पे रहा है? लगा कौन रहा है? वन. तो मैं क्या करूँगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, डायरेक्शन क्या है? टू टू वन, क्योंकि उसको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ. इन शॉर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इधर वन टू है तो उधर
टू वन है, ग्रेविटेशन में वैसा कुछ नहीं, वन टू है तो वन टू है, टू वन है तो टू वन है, इट इज इट इज ओनली बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्सेज अट्रैक्टिव इन नेचर, दैट्स इट। तो डायरेक्शन याद रखना। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब क्यों चाहिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करें, थोड़ी देर में आएगा न्यूमेरिकल आएंगे तब लगेगा ये डायरेक्शन हमको। अब एक लास्ट चीज, मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना सिमिलर है, इवन इनिशियल टॉपिक्स का सीक्वेंस भी सेम है। वहां पे तुमने स्टार्ट किया था कूलम्स लॉ को डिफाइन करने से, यहाँ पे तुमने स्टार्ट किया ग्रेविटेशनल लॉ को डिफाइन करने से, फिर तुमने वहां पे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखा था, यहाँ पे भी तुमने वही किया। उसके बाद हमने सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस देखा था कि हमारे पास अगर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हो तो व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, फर्स्ट चार्ज पे कितना, सेकंड पे कितना, यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे भी सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस आएगा, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है फिर, वहां पे चार्जेस थे यहाँ पे मासेस है, जैसे वहां पे आपने बोला चार्ज क्यू वन, मैं बोलूंगा मास एम वन, चार्ज क्यू टू मास एम टू, चार्ज क्यू थ्री मास एम थ्री, चार्ज क्यू फोर मास एम फोर, ऐसा एन नंबर ऑफ मासेस है। ये मास है एम वन, ये मास है एम टू, ये मास है एम थ्री, ये मास है एम फोर, ये मास है एम एन। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन एनी ऑफ दिस चार्ज, एनी ऑफ दिस मास। तो एनी ऑफ दिस मास, तो कोई भी एक मास पहले फाइनल करना पड़ेगा कि किस पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इफ इफ वी हैव नंबर ऑफ मासेस, नंबर ऑफ मासेस एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन, देन फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास इज द वेक्टर सम ऑफ, इज द वेक्टर सम ऑफ, वहां पे भी वेक्टर सम बोला था, यहाँ पे वेक्टर सम बोला है, सिर्फ सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वहां पे तुमने बोला था इफ यू हैव नंबर ऑफ चार्जेस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू एन, देन फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, यहाँ पे बोलोगे फोर्स ऑन एनी मास इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर मासेस, ड्यू टू ऑल अदर मासेस, वहां पे ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस था, यहाँ पे ड्यू टू ऑल अदर मासेस है। तो इतना ही डिफरेंस है, दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट यू हैव, उधर चार्जेस बोलते हो इधर मासेस बोलते हो। अभी भी फाइनल कर लो, तुमको किस पे फाइन करना है, किस पे फाइन करना है, लेट अस से फर्स्ट पे, लेट अस से एम वन पे फाइन करना है, तो एम वन पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड एक्सेट्रा, लेकिन डायरेक्शन बताओ फोर्स किस पे है, वन पे, कौन लगा रहा है, टू, डायरेक्शन क्या है, वन टू टू, मतलब आउटवर्ड्स है, वहां पे उल्टा था, वहां पे क्या था, इनवर्ड्स था, यहाँ पे भी क्या है, आउटवर्ड्स है, इस केस में भी आउटवर्ड्स ही है, आउटवर्ड्स ही है, तो दीज आर द फोर्सेस। फिलहाल मैं चार ही पार्टिकल दिखा रहा हूं और लिखते वक्त मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक में नोट्स में अलग किया है, पहले चार पार्टिकल का लिख लिया फिर बोला इन जनरल, यहाँ पे मैं डायरेक्टली दिखाते वक्त चार दिखाऊंगा लेकिन जनरलाइज कर दूंगा, चार मासेस है, फिर डायरेक्टली एंथ मास है, तो यू हैव एम वन एम टू एम थ्री एम फोर डायरेक्टली एम एन। तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन मास एम वन इज, M1S. ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम, तो सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन अदर वेक्टर, ऐसा होगा क्या कि तीन वेक्टर को ऐड किया और एक ही उसके अंदर मिल गया, होता है क्या ऐसा, नहीं, तो क्या है ये वेक्टर सम है। टोटल फोर्स किस पे फाइंड कर रहे हो, वन पे, तो कौन कौन एग्जर्ट कर रहा है फोर्स, वन पे, टू एंड देन थ्री एंड देन फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स एंड देन एंथ, तो सारे के सारे एग्जर्ट करेंगे। अगर टू का फाइंड करना होता तो फोर्थ ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्थ ऑन टू ड्यू टू थ्री, फोर्थ ऑन टू ड्यू टू टू मत लिख देना, तुम्हारा खुद का मास खुद पे ग्रेविटी एग्जर्ट करता है क्या, करता तो किधर जा ही नहीं सकते तुम, एक ही जगह पे चिपक के बैठ जाते, खुद का ही मास कहीं जाने नहीं दे रहा है, तो वैसा तो होगा नहीं। तो एनी वेज, तो फोर्थ ऑन वन इज इक्वल टू समेशन,
अब पहले मैं सिर्फ फोर्स ऑन वन के लिए समेशन का फॉर्म बनाऊंगा, फिर मैं जनरल कर दूंगा उसको। फिलहाल फोर्स किस पे लग रहा है? फर्स्ट पे। कौन कौन लगा रहा है? 2, 3, 4, 5, 6 अप टू एन। तो समेशन ऑफ कोड, कोड किस पे एक्ट हो रहा है? वन पे। कौन कौन लगा रहा है? 2, 3, 4, 5 और बीच में क्या है? प्लस प्लस प्लस। तो प्लस के लिए क्या यूज करते हो? मैं करता हूं काम फोर्स एफ वन जे, वेयर जे वैल्यू रन फ्रॉम 1, 2, 1। हाँ ठीक है, आप किसने तो 2 बोला, मैं 2 लिख देता हूँ पहले, 2, 2। ये दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जब आपने फोर्स ऑन वन बोला तब ठीक है, तब वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6। मैंने पूछा आपको मुझे जनरल करके दो, बताओ व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2। फिर क्या बोलोगे? जे रन फ्रॉम 1 to n बट जे इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि खुद खुद के ऊपर फोर्स लगाता है क्या? नहीं। तो इसके लिए मैं इसको ऐसा लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा जे रन फ्रॉम 1 to n। अब ये तो फोर्स किस पे था? पहले पे था, लेकिन सेकंड पे भी लग सकता है, थर्ड पे भी लग सकता है, फोर्थ पे लग सकता है। तो मैं इन जनरल कर दूं क्या इसको? आई, तो एफ आई मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन आईथ पार्टिकल, बराबर ना? अगर आप बोलोगे फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, तो आई की वैल्यू कितनी है? जे की वैल्यू क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू एन। अगर मैं बोलता हूँ फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, तो आई की वैल्यू कितनी है? तो जे की वैल्यू क्या है? 1, 3, 4, 5। अगर फोर्स ऑन थर्ड है तो आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू बताओ पहले, 3। जे कितना है? 1, 2। मतलब तुम देख रहे हो कि आई और जे की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो इसको लिखते हैं आई नॉट इक्वल टू जे, बस खत्म। मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ऐसा पेयर नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो अब तक तुमने क्या देखा? हमने पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव किया, जिसमें एक्सेलरेशन वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फिर हमने वहां से एक लॉ बनाया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर हमने उसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा, फिर हमने सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज अप्लाई किया। तो सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज के हिसाब से किसी भी एक मास पे टोटल फोर्स कितना है? फोर्स ऑन 1 due to 2 प्लस फोर्स ऑन 1 due to 3 प्लस फोर्स ऑन 1 due to 4 प्लस फोर्स ऑन 1 due to 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन अब आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पहले। एंड रिमेंबर आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन, तो डू नॉट बी इन हरी। तो हमने 9, 5.1 सॉल्व किया था ना पहले, 5.2 बाकी है ना हमारा, तो 5.2 देखना पड़ेगा पहले। 5.2 तो एग्जाम्पल नंबर 5.2 और रिमेम्बर बड़बड़ मत करो, इस चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वो जेई नीट इक्विवेलेंट क्वेश्चन है इसमें, तो अच्छे से करना। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड वॉट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ये इजी है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी में क्या है? फोर्स, कितना फोर्स? 1 न्यूटन। तो फोर्स इन द फर्स्ट केस F1 इज 1 न्यूटन, तो जो डिस्टेंस था फर्स्ट केस में मान लेते हैं R है। अब इन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल, मतलब क्या कर दिया? 2R1, बराबर। अब पूछा है कि नया फोर्स कितना है, सिंपल क्वेश्चन है ये, नया फोर्स मतलब क्या? F2। F2 कितना है? वेरी सिंपल, व्हाट इज द फोर्स फॉर्मूला? F इज gm1 m2 बाय, डिड यू चेंज m1 m2? नो, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सिंपल। तो न्यू फोर्स मतलब F2, तो क्या करेंगे? रेशियो लेंगे F2 बाय m1। अभी उस दिन किसने पूछा कि रेशियो क्यों लिया? तो कॉन्स्टेंट्स तो कैंसिल होंगे ना, मैं अगर F2 बाय f1 लूंगा तो gm1 m2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो लिखना ही नहीं डायरेक्टली, इनवर्स रिलेशन है। तो F2 बाय f1 कितना आएगा? R1 बाय R2 का स्क्वायर। तो F2 बाय F1
व्हाट इज आर वन बाय आर टू? वन बाय टू, तो ये क्या आ गया, वन बाय टू का स्क्वायर, मतलब एफ टू इक्वल टू एफ वन बाई फोर। एफ वन कितना था? 1 न्यूटन। तो एफ टू कितना है? 1/4 न्यूटन, मतलब कितना, 0.25। तो 0.25 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन तो इजी है, वेरी इजी। इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आएगा क्वेश्चन, डन। थ्री पार्टिकल्स ए बी एंड सी, ईच हैविंग मास एम, आर केप्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एल। अ फोर्थ पार्टिकल डी इज केप्ट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी एट डिस्टेंस एल फ्रॉम बी। गुड, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन डी। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो पहले समझ लो, हमारे पास तीन पार्टिकल्स है ऑफ सेम मास, एक है ए पे, एक है बी पे, एक है सी पे, और ए और बी इसमें डिस्टेंस है एल, बी और सी में डिस्टेंस है एल, ये तीन मासेस है। अब आपको बोला है चौथा मास कहाँ पे है, डी पॉइंट पे। डी पॉइंट कहाँ पे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कितने डिस्टेंस पे? एल डिस्टेंस पे। तो जो डी पॉइंट है ना वो इधर है बराबर, और ये डिस्टेंस पे कितना है? एल। ये है डी पॉइंट। इस पे मास कितना रखा हुआ है? अ फोर्थ पार्टिकल इज केप्ट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। अभी फोर्थ पार्टिकल पे मास कितना है नहीं बताया, तो फिर सेम मास ले लो। नहीं बता तो क्या करेंगे, सेम मास ही लेंगे ना, तो सेम मास ले लो। ओके, तो बताना तो चाहिए था, जो कैपिटल एम है स्मॉल एम है, तो हम तो उसमें सेम मास लेके खत्म करेंगे, जो आएगा वो आएगा। ये आ गया एम। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑन डी। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब आपको फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन डी, वेक्टर्स वेक्टर्स वेक्टर्स, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ऑन डी। पहले मैं वेक्टर फॉर्म में फॉर्म फाइंड करूंगा, फिर उसको मैं मैग्नीट्यूड निकाल के स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मुझे बताओ, ये जो डी पे जो मास है एम, इस पे कौन कौन फोर्स एग्जर्ट करेगा? हाँ, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन डी ड्यू टू कौन फोर्स लगा रहा है? ए। किस पे? डायरेक्शन डी टू ए, टू वर्ड्स। इधर गलती होना मतलब आंसर गलत होना, तो याद रखना ये फोर्स का डायरेक्शन आ गया, दिस इज फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, ड्यू टू ए मतलब टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड बी टूवर्ड्स ए, दिस फोर्स एफ डी ए, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। देन और कौन लगा रहा है? बी, ऑफ कोर्स, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। तो ये आ गया फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। और कौन लगा रहा है? सी। तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, एफ डी सी। अब हम ड्रॉ कर लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है आप सीखोगे, हमने जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कवर किया उसके जब जेई नीट के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तब समझेगा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम नाम में ही है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उस केस में आप एक बॉडी पे लगने वाले सिर्फ फोर्सेस ड्रॉ करते हो, बाकी सब हटा देते हो, यू रिमूव एवरीथिंग एल्स एंड यू जस्ट ड्रॉ फोर्सेस। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें क्या है, बॉडी है नहीं, सिर्फ क्या है, डाय ये फोर्सेस है, इसलिए तो बोलते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी से फ्री है ये डायग्राम, सिंपल। देन अब ऐसा है कि ये जो फोर्सेस है ना, इसके कंपोनेंट्स होंगे, किस किस के कंपोनेंट होंगे? फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी का कंपोनेंट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? देखो एक चीज है, जब कोई फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस में पॉइंट कर रहा हो तो उसका एक ही कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, तो कंपोनेंट करना क्यों है फिर तुमको, एक ही है ना। जब कोई फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस पॉइंट कर रहा हो या नेगेटिव वाई पॉइंट कर रहा हो तो उसका एक ही कंपोनेंट है। तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी कहाँ पॉइंट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसका है ही एक कंपोनेंट, तो कैसे कंपोनेंट करोगे, नहीं कर सकते। तो देन एक काम करो, सबसे पहले इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करके रख दो। तो
फोर्स ऑन ड्यू डी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। एम एट डी एंड एम एट ए सेम है, तो एम वन एम टू कितना हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। नहीं कैसे क्या एल स्क्वायर, ये एल है, ये एल है, ये हाइपोटेन्यूज है, रूट टू एल है वो, कितना है वो, तो ये डिस्टेंस कितना है रूट टू एल, ये डिस्टेंस कितना है रूट टू एल, तो अपॉन रूट टू एल का स्क्वायर मतलब कितना टू एल स्क्वायर, तो जी एम स्क्वायर अपॉन टू एल स्क्वायर, करेक्ट है ना, हाइपोटेन्यूज सही है ना, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर का रूट, तो रूट टू एल बराबर है। और एक बार सोच लो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इज इट करेक्ट और नॉट, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर उसका रूट टू टू एल, वैसे हमको स्क्वायर ही चाहिए क्योंकि डिस्टेंस का क्या आता है स्क्वायर आता है, तो बराबर है। ये आ गया फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, वैसे ही फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम, तो ये आ जाएगा सेम, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अच्छा हो गया, तो एक काम करते हैं, सेम आ गया ना, अगर सेम आ गया तो एक काम करो, फिर फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी मैग्नीट्यूड वाइज सेम, ऐसा लिख के रख दो काम में आएगा। हम व्हाट इज फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, ड्यू टू बी बताओ बताओ बताओ, जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर क्या इधर एल है, एल स्क्वायर है ये बराबर। अब ये जो एफ डी ए है ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, थर्ड, एक कंपोनेंट यहां जाएगा एक कंपोनेंट यहां आएगा, ये जो फोर्थ ऑन डी ड्यू टू सी है कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, फोर्थ, एक कंपोनेंट यहां जाएगा एक कंपोनेंट यहां आएगा बराबर। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने फोर्थ ऑन डी ड्यू टू बी और सॉरी ए एंड फोर्थ ऑन डी ड्यू टू सी इसको डिवाइड कर लिया किसमें, कंपोनेंट्स में, और क्योंकि आपने कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया तो व्हाट डू यू सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दे आर कैंसलिंग आउट, क्या हो गए कैंसल आउट हो गया, क्या हो गए कैंसल आउट हो गया, वेरी गुड। सो वेल बाई द वे, लेकिन कैंसल आउट करने से पहले एंगल्स तो मैटर करेंगे ना यहाँ पे, ऐसे कैसे तुम कैंसिल कर सकते हो, पहले तो एंगल बताओ, व्हाट इज एंगल, 40 पक्का 45, क्यों 45 भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके ठीक है, जब ऐसा हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, जब ऐसा बोला हो ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल और उसके सेंटर पे ऊपर एक और डिस्टेंस एल पे, एल डिस्टेंस पे एक मास है, तो ऐसे केसेस में ये एंगल कितना बनता है, ये 45 तो ये कितना है 45 अल्टरनेट बराबर, तो अगर भाई बाई दाई ये 45 तो ये भी 45 ही है, तो डजंट मैटर, तो ये 45 है, तो तुम इसको 45 बोल दो या तुम इसको 45 बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इज अप टू यू, क्योंकि cos 45 sin 45 सेम ही आता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है आइडियली, तो डजंट मैटर रियली तुम किसको 45 बोल रहे हो, तुम किसको cos कंपोनेंट बोल रहे हो, तुम किसको sin कंपोनेंट बोल रहे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल अगर 45 है तो cos और sin कंपोनेंट क्या है सेम, तो ये कौन सा कंपोनेंट है एफ डी ए cos 45 और ये कौन सा है एफ डी ए sin 45। सिमिलरली ये क्या है एफ डी सी cos 45 और ये कौन है एफ डी सी sin 45। तो आप बोल सकते हो हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, किसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, किसके एफ डी ए और एफ डी सी के, दे आर इक्वल एंड अपोजिट एंड हेंस कैंसल आउट, आर इक्वल एंड अपोजिट देयरफॉर दे कैंसल आउट, दे कैंसल आउट, और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे ऐड होंगे, क्यों ऐड होंगे बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। और एक चीज याद रखना, अभी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या सिर्फ ये जो कंपोनेंट्स है क्या, नहीं, और कौन था एफ डी बी भी तो था ना एफ डी बी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कौन कौन है? एफ डी भी है, इसको तो हटा देता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि इसका काम हो गया। अब सिर्फ काम है तो कंपोनेंट्स का काम है, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, और एक डायरेक्टली एफ डी भी है। तो दिस इज, व्हाट इज दिस? फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। व्हाट इज दिस? फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए साइन 45। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी साइन 45। एंड देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स किस पे फाइंड कर रहे थे तुम? डी पे इज इक्वल टू इन तीनों का एडिशन। तो यू विल से एफ डी ए साइन 45 प्लस एफ डी बी प्लस एफ डी सी क्या? साइन 45। लेकिन एफ डी ए और एफ डी सी का मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये आ जाएगा 2 times। तो दिस इज इक्वल टू 2 times। और बाय द वे मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखा है ना, तो फिर यहाँ पे स्केलर कैसे चलेगा? क्या चाहिए? वेक्टर माइनस जे के। क्यों माइनस जे के? और लुक एट डायरेक्शन, तीनों के तीनों कहाँ है? नेगेटिव में है। तो यह आ जाएगा 2 times ऑफ एफ डी ए साइन 45, क्योंकि एफ डी सी और एफ डी ए क्या था? सेम था, तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया। प्लस क्या आ जाएगा? एफ डी बी विथ नेगेटिव जे कैप, विथ नेगेटिव जे कैप, ये नेगेटिव बाद में लिखेंगे हम लोग। तो देयरफॉर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 FDA। व्हाट इज FDA? बताओ बताओ जी, एम स्क्वायर अपॉन 2L² प्लस FDB। व्हाट इज FDB? जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर जे क्या? बराबर सही है, तो 2 2 हो गया कैंसल, 2 और 2 हो गया कैंसल। तो क्या मिल गया? क्या मिल गया? माइनस 2 times ऑफ जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर जे कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 2gm² / L² ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डी। अब ये है क्या नहीं वो चेक करने दो, है तो ठीक, नहीं है तो चेक करना पड़ेगा। इधर तो आंसर कुछ और ही दिया है, पता है क्यों? साइन 45 लोग है क्या? साइन 45 है नहीं क्या? साइन 45 कहाँ लिखा? लिखा क्या साइन 45? नहीं ना। हाँ तो साइन 45 नहीं लिखोगे तो आंसर गलत आएगा ही। तो साइन 45 मतलब क्या होता है पता है? 1/√2। वेरी गुड, तो ये 1/√2 रह गया, तो एक चीज रहने से सब गलत हो जाएगा, तो ये 1/√2 रह गया, बाकी सब ठीक था, बाकी सब करेक्ट है, तो 2 2 के आंसर हुआ सही है। तो इनमें से क्या कॉमन निकालोगे? जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इधर क्या बचेगा और इधर क्या बचेगा? 1 j कैप। और अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ तो जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर 1 + 1/√2, यही आंसर आना चाहिए, है क्या आंसर? हाँ अभी सही है, दिस इज करेक्ट नाउ, डन। तो साइन 45 छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, लास्ट स्टेप में गलत, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।